ये वाला जो सवाल था ना, ये मैंने एक्सपेक्ट किया ही था कि ये पक्का वाला आएगा और ये एक्चुअली आया. व्हाट वाज द फर्स्ट यूट्यूब मनी? तो मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी एक यूट्यूबर क्यू एन ए करता है तब समझ जाना कि उस यूट्यूबर के पास कंटेंट नहीं है. मजाक कर रहा हूँ. द क्यू एन ए इज द ओनली वे जिससे हम प्रॉपरली आपसे बात कर सकते हैं एंड वी लव डूइंग क्यू एन ए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन आते हैं, काफी सारे क्रिएटिव क्वेश्चन भी होते हैं. सो इट्स फन टू आंसर दोज क्वेश्चन और आप लोग के साथ ना ऐसे एक डायरेक्ट बात हो जाती है जैसे अभी हो रही है. क्या आप मुझे देख सकते हो? बस ये ऐसी जो ये बात होती है ना, जैसे मैं आपको डायरेक्टली अभी देख पा रहा हूँ. हाँ, आप ही मेरा वीडियो देख रहे हो. तो ये जो डायरेक्ट बात होती है ये होता है सिर्फ क्यू एन ए के थ्रू और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. सो दैट्स द ओनली रीजन दैट यूट्यूबर्स डू क्यू एन ए. तो प्लीज़ उनको ये मत कहना कि आप क्यू एन ए करते हो क्योंकि आपके पास कंटेंट नहीं है. शायद वो एक रीज़न हो सकता है, बट उसी के साथ साथ ये भी है कि आपसे बात करनी होती है हमें. सो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम टू एंड वेलकम बैक टू माई चैनल. तो ये जो क्यू एन ए है ये मुझे करना था जब मेरे 25,000 सब्सक्राइबर्स हुए थे ऑन द प्रीवियस चैनल, बट द चैनल गॉट हैक. सो उसके ऊपर क्यू एन ए मैं कर नहीं पाया, लेकिन नेवरदलेस हम इस चैनल के ऊपर अब क्यू एन ए कर रहे हैं. और मैंने इंस्टाग्राम पे रिसेंटली ये डाला था कि आस्क मी क्वेश्चंस, मैं इसके ऊपर एक क्यू एन ए वीडियो बना रहा हूँ ऑलमोस्ट एक हफ्ते पहले. तो अब मैं फाइनली इसको शूट भी कर रहा हूँ. तो क्या हुआ ना मेरे साथ कि काफ़ी सारे क्रिएटिव क्वेश्चंस भी है, लेकिन कोई क्वेश्चंस ऐसे भी थे. हाय अमन जैन. अबे साले, बेसिकली जब कभी भी कोई आपकी क्यू एन ए में आपको ये लिखता है हाई एट द रेट योर यूजर नेम, उनका खाली प्रोफाइल चेक करना. मैंने भी चेक किया, मोस्ट ऑफ देम वर वेरीफाइड अकाउंट्स और बाकी सब जो थे ना वो मतलब ऐसे बड़े 50,000-60,000 फॉलोअर्स वाले. एंड इट्स क्लियर दैट ये लाइक बॉट यूज करते हैं जिसके थ्रू यू नो वो हमें क्वेश्चंस पूछे एंड वी बींग द क्रिएटर्स वी फील लाइक यार 50,000-60,000 फॉलोअर्स यार इनको तो फॉलो करना बनता है. एंड इवन दैट इज अ टैक्टिक टू गेन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम. क्या जमाना आ गया भाई, मेहनत तो करनी नहीं किसी को और किसी को बॉट यूज करके आगे बढ़ना है. सो इन दिस वीडियो आई विल बी टेकिंग 10-15 क्वेश्चंस जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छे लगे और बहुत ज्यादा क्रिएटिव भी थे, ऐसा फालतू हाई हेलो नहीं किया था. उसमें से पहला क्वेश्चन है ये भाई, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इवन आफ्टर दीज थिंग्स हैपन, प्लीज आंसर. तो अकॉर्डिंग टू हिम दीज थिंग्स का मतलब है मेरा चैनल हैक वगैरह. तो यार डीमोटिवेट तो मैं बहुत ज़्यादा हुआ था, ठीक है, दैट गोज विदाउट सेइंग. और एक हफ्ते तक मैं पूरा ऐसा मतलब आई वॉज वेरी सैड एंड आई कुडंट डू एनीथिंग. बट देन आफ्टर दैट आई थॉट कि चलो अभी नया चैनल शुरू कर ही लेते हैं, क्योंकि अगर वो चैनल नहीं आया और मैं एक महीना रुका जस्ट फॉर दैट चैनल, तो उसी एक महीने में एटलीस्ट मैं 1,000 सब्सक्राइबर तो टच करूंगा, क्योंकि 25,000 थे तो वो तो हो ही जाएगी, बट एटलीस्ट एक शुरू तो कर लूँ मैं. सो दैट्स द रीज़न फिर मैंने चैनल भी शुरू किया और धीरे धीरे फिर वो डीमोटिवेशन थोड़ा चले गया, जाते गया. अभी भी थोड़ा दुख होता है कि यार चैनल कब मिलेगा, बट देन ठीक है, अभी इट्स गुड. योर डेली रूटीन. माई डेली रूटीन जस्ट द वे यू हैव अ डेली रूटीन. मैं सुबह उठता हूँ 9-10 बजे, उसके बाद मैं अपना एडिटिंग काम मेरा जो भी रहता है फ्रीलांस का, मैं वो सब करता हूँ अगर मेरे को रहा तो. नहीं रहता है तो आइदर आई गो टू कॉलेज, आइदर आई डू सम ऑफ द अदर वर्क घर पे ही. देन मैं दोपहर को थोड़ी देर मस्त ऐसा रिलैक्स करके सो जाता हूँ, आई वॉच अ मूवी एंड देन आई वेक अप. उसके बाद जिम जाता हूँ, घर आता हूँ एंड देन अगेन सो जाता हूँ. ये उस दिन जिस दिन व्लॉग नहीं होता है, जिस दिन व्लॉग होता है उस दिन सुबह से रात तक सिर्फ व्लॉगिंग होती है. तो तीसरा जो सवाल है वो बहुत अच्छा वाला एक्चुअली. तो भाई पूछ रहे कि पाकिस्तान के बारे में आपके थॉट्स क्या है. सो लेट मी टेल यू दैट मेरे प्रीवियस चैनल के काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स वर फ्रॉम पाकिस्तान एंड द सपोर्ट दे गेम ही वॉज रियली गुड. ऑल्सो विद दिस मैंने एक वीडियो भी डाली थी अबाउट पाकिस्तान, क्योंकि आई मेट वन पर्सन ऑन इंस्टाग्राम और मेरी उससे अच्छे खासी बात भी हुई थी एंड आई डिड अ स्टोरी टेलिंग वीडियो ऑन दैट. सो यार लोग तो हर जगह के ही अच्छे होते हैं, जस्ट द पॉलिटिकल स्टफ जिसकी वजह से ना टेंशन क्रिएट होता है, बाकी तो सब एकदम. एनी यूनिक आइडिया फॉर फुटप्रिंट्स 2.0? बाय द वे दैट वाज आवर चैनल एंड दिस इज आल्सो आवर चैनल लव फुटप्रिंट्स. जी हाँ, आइडियाज तो बहुत सारे हैं, आई वोंट डिस्क्लोज इट राइट नाउ क्योंकि अभी तक उस चैनल का कुछ अता पता है नहीं, आएगा नहीं आएगा. बट वंस अगेन नहीं आया तो फिर मैं अनाउंस करूँगा व्हाट प्लान्स डू आई हैव आगे. एंड बहुत मतलब ऐसा एक्सपेरिमेंटल चीज़ें मैं करने वाला हूँ यही साल में, क्योंकि 100K तो बॉस करने ही है. तो अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द सेंचुरी, क्योंकि मैं अक्टूबर से ये चीज़ कह रहा हूँ और अभी तक हुई नहीं है. मीटअप कब रखोगे? मीटअप
कब रखोगे? तो द थिंग इज कि मैं फरवरी में रखने वाला था, बट देन चैनल हैक हो चुका है तो मैंने मीटअप नहीं रखा. सो रखना तो है मीटअप, आप लोग बताओ मुझे कमेंट्स में कब कहाँ कैसे रखना है, और अपन फिर पक्का वाला कुछ प्लान करके मीटअप रखेंगे. डिप्रेशन से डील कैसे कर रहे हो? फर्स्टली आई एम नॉट डिप्रेस्ड, एंड हम डिप्रेशन को यहाँ नहीं डाल सकते क्योंकि माय केस वाज जस्ट एक्सट्रीम सैडनेस, क्योंकि मेरा चैनल चला गया तो बस मुझे दुख हुआ था थोड़े दिनों के लिए. बट दिस इज नॉट डिप्रेशन गाइज, डिप्रेशन इज एक्चुअली अ मेंटल इलनेस, और सैडनेस हर किसी को होता है एंड दैट इज नॉट डिप्रेशन. सेकेंडली ही ऑल्सो सेड दैट पीएस यू सीम सो पॉजिटिव. येस आई हैड टू बी पॉजिटिव, क्योंकि अगर मैं ही अगर नेगेटिव बन जाऊँ और बार बार एक ही वीडियो बनाऊँ कि यार चला गया चैनल, हाय मेरा चैनल चला गया, हाय मैं क्या करूँगा, तो फिर मैं एक्चुअली कुछ भी नहीं कर पाऊँगा. वही अगर मैं थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट डालूँ, थोड़ा और हसल करके कंटिन्यूस वीडियोस बनाते रहूँ, तो समवेयर एटलीस्ट आई विल रीच बाय द एंड ऑफ 2020. तो बस यही एटीट्यूड लेके मैंने वापस से इस चैनल को शुरू किया. अब देखते हैं, भगवान पर है कहाँ जाएंगे कैसे जाएंगे. ये वाला जो सवाल था ना, ये मैंने एक्सपेक्ट किया ही था कि ये पक्का वाला आएगा, और ये एक्चुअली आया. वॉट वॉज द फर्स्ट यूट्यूब मनी? यार अब क्या कहे हम, ये मुझे पेमेंट आई थी ऑन 28th of January, एंड आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो आफ्टर माय काला घोड़ा व्लॉग, बट अगेन माय चैनल गॉट हैक्ड. तो मुझे आया था, आई कांट सी द एग्जैक्ट फिगर, बट समझ लो ऑलमोस्ट अराउंड $100 and $110 के बीच में. अब आप तुक्का लगा लो, मैं कुछ नहीं कहूँगा. तो अगला सवाल भाई ने ऐसा दिल को छू लिया और आर पार ऐसा चीरते हुए मेरे दिल को वो तार निकल गया, और भाई पूछ रहे हैं कि डू यू मिस इरफान जुनेजो? सो इरफान जुनेजो वॉज बेसिकली वन ऑफ माई इंस्पिरेशन, एंड आई लव्ड द वे ही डिड स्टोरी टेलिंग सिनेमैटिक्स, एंड जो तरीके का फिल्म मेकर है वो आई रियली लव इट. बट अब जबकि उन्होंने वो वीडियो डाला दैट आई क्विट यूट्यूब, तब थोड़ा सा बुरा लगा कि यार नहीं यार देखना था और ब्लॉग्स. बट nevertheless इट्स हिज लाइफ, वी आर nobody टू एक्चुअली क्वेश्चन हिम, एंड ही हैज ऑलरेडी रीच दैट मार्क वेर यू नो ही इज डूइंग मच ग्रेटर थिंग्स. तो बाकी तो बस मिस तो कर ही रहा हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ बसता था वो, बट अब क्या ही कर सकते हैं. तो भाई साहब, हाउ टू गेन मोर व्यूज ऑन अ वीडियो? हाउ टू, द नेशन वॉन्ट्स टू नो हाउ टू गेन व्यूज ऑन अ वीडियो, हाउ? अरे भाई मेरे को नहीं पता है हाउ टू गेन व्यूज ऑन अ वीडियो. The only thing that you can do as a creator is keep making videos continuously, consistency के साथ आप बनाते रहो videos, जो भी trending topics है उसको लेके बनाते रहो, अच्छा खासा thumbnail बनाओ, और ऐसा negativity मत फैलाओ. मैंने बहुत सारे questions ले लिए, but क्या करें यार, इतने अच्छे अच्छे questions आप लोग ने मुझसे पूछे थे. So thank you so much firstly for asking so many questions, and I'm sorry मैं इस video को इतना ज़्यादा late डाल रहा हूँ, but nevertheless thank you for the support. और ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहो, और अपन अब अगले वीडियो में मिलेंगे. तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स, शुक्रिया.